हे गाइस, मैं हूं गुलफशा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रंच। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी फिल्म सुपर 30 के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। ये फिल्म आने वाली 12 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही ऋतिक को झटका लगा है। दरअसल हैदराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि ऋतिक के खिलाफ शिकायत करने वाले शख्स ने ऋतिक पर यह आरोप लगाया है कि जिस फिटनेस सेंटर के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसने जरूरत से ज्यादा लोगों को सेंटर में ऐड कर लिया है और रजिस्ट्रेशन के वक्त किए गए वादे के मुताबिक बाद में उन्हें स्लॉट्स नहीं दिए गए। उनका कहना है कि जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें स्लॉट बुक करने के लिए ऐप का यूज करने से डिप्राइव रखा गया। दरअसल ऋतिक रोशन कल डॉट फिट नाम के जिम के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जिस शख्स ने शिकायत करी है उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन के वक्त ये वादा किया गया था कि ऋतिक उन लोगों को खुद टाइम और ट्रेनिंग देंगे, मगर जिम बाद में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया। शख्स का कहना है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में 17,490 रुपए फीस दी थी, लेकिन अभी तक उन्हें स्लॉट नहीं मिले हैं। जिम 17,490 रुपए से लेकर 36,400 रुपए तक एक साल के लिए वजन घटाने का पैकेज दे रहा था। वहीं KPHP कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने बुधवार को ऋतिक रोशन और कल्ट डॉट फिट के 3 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि कंपनी अपने डेली एक्सरसाइज सेशन के वादे को पूरा नहीं कर रही, क्योंकि ऋतिक रोशन इस ब्रांड के एम्बेसडर हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाया था। बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लैंड ट्राइब।